हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विश्व की सबसे बड़ी सीरीज में पार्ट टू। आज दूसरा टेस्ट लेकर हाजिर हैं आप ज्ञान प्लस चैनल में। जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा शेयर ज़रूर करें, जिससे आपके अधिक से अधिक दोस्तों को मदद मिल सके एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं टेस्ट दो के क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? इसका आंसर आप लिखिए तुरंत अपनी कॉपी में। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य हैं? इसका आंसर अपनी आप कॉपी में नोट करिए आप। तीसरा क्वेश्चन है, सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? लिख लिया आपने कॉपी में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था? लिखिए कॉपी पे। लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। पांचवा, बेगम अख्तर की गायन किस विधा से संबंध है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एक प्रकाश वर्ष की दूरी के बराबर होता है, कितनी दूरी के बराबर होता है? इसका आंसर लिख लिया आपने जी। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? इसका आंसर लिख लिया आपने जी। आगे बढ़ते हैं। भारत में जिलों की कुल कितनी संख्या है? इसका आंसर आपने लिख लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सल्तनतकालीन सुल्तानों में के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? इसका आंसर आपने लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं। माइक माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका आंसर आपने लिख लिया है जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। पदार्थ के संवेग पद और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? इसका आंसर नोट करिए अपनी कॉपी में। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 12। संविधान सभा के झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर आपने लिख लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? इसका आंसर लिख लिया आपने जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? इसका आंसर आपने लिख लिया। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। यहूदी मेनुहिन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? इसका आंसर नोट कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, क्या कहलाता है? इसका क्वेश्चन लिख लिया आपने, आंसर लिख लिया आपने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ? इसका आंसर लिख लिया आपने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका आंसर लिख लिया आपने। आगे बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाए? इसका आंसर लिख लिया आपने। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। विटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित थे? लिख लिया आपने आंसर। तो चेक करते हैं इन सभी प्रश्न के आंसर क्या हैं, और इसके बाद हम आपको पहले आंसर बताएंगे, आप क्वेश्चन के साथ आंसर चेक कर लीजिए, उसके बाद हम आपको पूरा एक साथ क्वेश्चन आंसर कर देंगे, जिससे कि आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर आपने शीशा लगाया है, तो बिल्कुल सही लगाया आपने, आपका क्वेश्चन सही है, आंसर सही है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर सात आपने लगाया है, बिल्कुल सही है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर राइबोसोम है। चौथे का है मल्लिक याकूब को। पाँचवें का आंसर है गज़ल गायकी से। छठवें का आंसर है 9.46 × 10⁻²⁰ किलोमीटर। अगर यही मीटर में होगा तो ये 10⁻¹५ मीटर हो जाएगा।
सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सूर्य किरण से। आठवें का आंसर है 640, नवें का आंसर है फिरोज शाह तुगलक, दसवें का आंसर है वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से, ग्यारहवें का आंसर है द्रव्यमान से, बारहवें का आंसर है जे बी कृपलानी, तेरहवें का आंसर है असमांग मिश्रण, चौदहवें का आंसर है शाइस्ता खां को, 15वें का आंसर है वायलिन के, 16वें का आंसर है सौर कलंक, 17वें का आंसर है हृदय, 18वें का आंसर है कर्नाटक, 19वें का आंसर है औरंगजेब और 20 का आंसर है पाप गायकी से। तो ये कुछ आंसर हो गए दोस्तों। अब मैं आप इसको जूम आउट किए दे रहा हूँ, जिससे कि आप इन सब का सारे क्वेश्चन और आंसर आपको एक साथ दिखाई दें और आप आसानी से उसको कर सकें। तो ये देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन और सारे आंसर एक साथ मैंने कर दिया। अब आप क्वेश्चन के साथ साथ आंसर नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, और या तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। तो ये दूसरा टेस्ट ख़त्म हुआ दोस्तों। ये इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि आपके सभी मित्र इस टेस्ट सीरीज का फ़ायदा उठा सकें, जिससे हमारा उद्देश्य जो है उन सभी बच्चों के लिए जो कि टेस्ट के लिए कोचिंगों में 500 1000 रुपए नहीं दे पाते हैं, तो इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर वो आसानी से टेस्ट दे सकें और अपने ज्ञान को जांच सकें, या अपने जो भी पढ़ाई की है उसको तैयार करने का ये दूसरा सबसे अच्छा तरीका होता है। तो ज़रूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब चैनल कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।